अमेरिका की चांद पर मानव को उतारने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर चांद पर इंसानों को भेजने की कोशिश की तैयारी में काफी जोर शोर से काम कर रहा था। अब खुद नासा ने ऐलान किया है कि वो फिलहाल इस मिशन को टाल रहा है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग को कम से कम 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। नासा इसी साल के अंत तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला था। इसके लिए वो तैयारी में जुटा था। नासा के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि आर्टेमिस 3 मिशन अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार चांद पर मनुष्यों को उतारने के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने की योजना बनाई गई, लेकिन ये 2026 तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। अपोलो मिशन के 50 वर्षों बाद चंद्रमा की सतह पर पहला अंतरिक्षयान उतारने के लिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वॉल्कन रॉकेट के पैराग्रीन लूनर लैंडर को सोमवार के फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च वाहन से अलग कर दिया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद एस्ट्रोबोटिक ने खराबी की सूचना देना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत एक प्रणोदन गड़बड़ी के साथ पैराग्रीन के सोलर पैनल के सूर्य की ओर उन्मुख करने और इसकी बैटरी को ऊपर रखने में असमर्थता से हुई, जिसने अंतरिक्षयान के बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि कंपनी ने कहा है कि ईंधन बचे रहने तक लैंडर को चांद की तरफ भेजने का काम जारी रहेगा। एस्ट्रोबोटिक के मुताबिक इस यान से अगले मिशन की सफलता के लिए डेटा मिलने का काम जारी है। कंपनी का इरादा 2024 के अंत में नासा के एक रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का है। इस रोवर को ग्रिफिन लैंडर का नाम दिया गया है। अब इसी को देखते हुए नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने के लिए इस मिशन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल नासा के इस मिशन को लेकर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।